देखो ये इतना चाव है, देखो सभी को दिखाओ, ये सभी इसे कटड़े को देखते हैं जब राकेश भाई घुमाने ले जाता है। और मैं राकेश भाई का भी हाथ जोड़ के ये कहता हूँ भाई, मैं इसीलिए ये तैयार किया है ताकि गांव में कोई जागरूकता है, किसी भाई को ये समझ आया कि भाई अच्छे पशु से किसानी के साथ साथ जमींदारी के साथ साथ भाई ये पैदा भी हो जाए। 80 रुपया की बेची है ये तो बाखड़ी दी है, थोड़ी थोड़ी दी है। रुपए दी? हाँ। रुपए दी? 50,000। 50,000 की बाखड़ी? बाखड़ी दी है। इतनी है जी, 2 किलो दूध और भी बढ़ा देगी। नॉर्मल 60 से है जी, यानी के भाई आप ये समझो 21-22 केजी दूध तो आराम से देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। 22 केजी दूध वाली माँ का कटड़ा कह की बेची, कोई महंगी बेची, कोई 1-2 लाख? वही तो बता, सरमान की जरूरत कह की 1-10 की? 1-10 की महंगे तो महंगी। हाँ, तो ये दोस्तों रिजल्ट था इस गांव का, आप समझ सकते हो। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो है भाई। वैसे तो मेरी हर वीडियो मोटिवेशन के लिए रहती है, मेरे नए पशुपालक मेरे किसान साथियों के लिए मैं एक से बढ़कर एक वीडियो के जो कटड़ा तैयार कर रहे हैं, तो पूरे गाँव वालों के लिए ये सोच है उनकी के इस गाँव को पंचायत के लिए छोड़ा जाए और उसका अच्छी नस्ल इस गांव में पैदा हो। बात सुनो भाई, 15 साल हो गए इस गांव में कोई निवास में कोई पहले ब्यास लगी होगी, उसने 20 केजी दूध निकाला था। उसके बाद इस गांव में राकेश भाई की ब्यास ने दूध निकाला है, तो आप ये समझ सकते हो भाई कितना मतलब पीछे चल रहे हैं। ये लेके आता हूँ ताकि उसको उस वीडियो से सीख करके और वो भी अपना अच्छा पशुधन तैयार कर सके और खेती के साथ साथ अपना व्यवसाय बना सके। मैं आज मेरी युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि भाई अगर उसको नौकरी भी नहीं मिलती है पढ़ने के बाद भी, तो अगर पशुपालन का भी सही ढंग से काम किया जाए तो वो भी एक अच्छा उसका व्यवसाय बन सकता है। साथ ही साथ पशुपालन का भी काम कर सकता है, अपने माँ बाप की भी सेवा कर सकता है, अपने बच्चों को भी ठीक ढंग से पढ़ा सकता है, खिला सकता है, उनकी परवरिश कर सकता है। आज दोस्तों देखो एक कोई सेल परचेज की कोई वीडियो नहीं है, ये एक किस्म की मेरे नए जो पशुपालक साथी हैं अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो खास रहेगी। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब, प्रवीण भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी साथियों को, सभी साथियों को, सुनने वालों को, सभी को राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश भाई सबसे पहले तो अपना एड्रेस और परिचय दें हमारे को ताकि आपसे कोई भी साथी सीख सके और बातचीत कर सके। भाई साहब एड्रेस गाँव बिरोड डिस्ट्रिक्ट जज्जर, डिस्ट्रिक्ट नाम राकेश कुमार, नाम राकेश। और तहसील? तहसील मातनेल, मातनेल। दादरी से कितने दूरी पर है? दादरी से 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है भाई साहब। तो और झज्जर से? झज्जर से 35 किलोमीटर पड़ता है भाई, झज्जर से 35। हाँ जी। और मातनेल कितना रह जाता है? मातनेल यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। तो आपका फोन नंबर हो दे साथ के साथ। 9813-70-801। तो भाई जी आज आप ये काटड़ा दिखाने जा रहे हो, कितने दिन का है ये काटड़ा जी? 12 महीने से न्यू मान लो 6 दिन बाकी हैं जी इसके। 12 महीने में भी 6 दिन? 6 दिन बाकी हैं। अच्छा बाकी हैं। हाँ जी। तो दोस्तों देखो ये जो आप देख पा रहे हो काटड़ा मात्र 12 महीने का, हर भाई ने राकेश भाई ने इतने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है कि एक पशुपालक भी आज इनके बारे में देख करके इनका डाइट प्लान सीख करके वो भी तैयार कर सकता है। एक बार चला के दिखाएं भाई इसको। तो कौन से बुल का है, कैसा इसका रिजल्ट रहा और इसकी माँ के कितना दूध है, तो पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई पीछे से देखो, टेस्टिकल साइड से, पूछ साइड से, टेल साइड से, हर तरह से मतलब एक 12 मंथ का कटड़ा आप ये सोच सकते हो। कई भाइयों के तो 2-2 साल के भी इतने मतलब नहीं मिलते कटड़े, लेकिन एक आम पशुपालक ने बगैर जानकारी के और उसने अपना ऐसा मुर्रादन तैयार किया है कि एक कटड़े से ही वो अपने लाखों रुपए कमा सकता है और उसको अच्छा तैयार कर सकता है। तो राकेश भाई इसकी माँ का रिकॉर्ड कितना है? इसकी माँ का 19 किलो 430 ग्राम। 19 केजी 430 ग्राम इसका रिकॉर्ड है भाई। और इसके जो बाप की बात करें तो भाई कौन से सीमन का? ये रुस्तम का है जी, दतौली वाला, रुस्तम गतौली का। तो हरिओम जो कैप्टन हरिओम है, देखो आपने कई मेलों में उस जो रुस्तम गतौली को फर्स्ट आते हुए देखा होगा, और मैंने भी काफी बहुत अच्छा सुंदरता का बुल रहा है भाई। और देखो एक दूसरे की टांग खींचने में तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन आज रुस्तम गतौली का अपने चैनल पे पहली बार वीडियो आ रही है, और न किसी के कहने से, न हरिओम के कहने से, न उसके किसी के कहने से नहीं, ये राकेश भाई ने स्वयं वीडियो बनवाई है। एक आम किसान है, और जो आपके साथियों के भी कमेंट थे भाई रुस्तम गतौली को वीडियो लेके आए, देखो उसका जो बुल है उसकी तो कभी लेके आएंगे जब टाइम लगेगा, लेकिन आज उसके बच्चे का आप रिजल्ट देख सकते हो। रुस्तम गतौली भी काफी हैवी वेट का भाई बुल रहा है, और काफी सुंदर बुलों में उसकी गिनती रही है, और कई बार वो चैंपियन भी बना है।
तो कैप्टन हरिओम के बुल का ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। और राकेश भाई, मेरा जो पशुपालक है, मेरा किसान साथी आपसे सीख सके, तो ये जब एक महीना था, दो महीने का, दस महीने का, आपने इसको कैसे तैयार किया वो बताइए। इसको जी मेरे पास एक डॉक्टर है जी, वो HLDB वो BLD है, वहाँ पर खेड़ी कुमार उसकी ड्यूटी है, खेड़ी कुमार में, और गांव बिरोड़ का है साहिल। अच्छा अच्छा, उसकी देन है जी ये, जो उसने मेरे को जागरूक किया और उसने जो तरकीब बताई इसकी, टाइम टाइम पर इसकी जो कीड़े काटे की दवाई है, अच्छा, वो टाइम टाइम पर हर 20 दिन में 25 दिन में मेरे को देता था। तो ये सुझाव किसने दिया कि भाई ये सुझाव जी उसी ने दिया था। अच्छा, और उसी ने रखा था जी। तो आप ये रुस्तम गतोली के रिजल्ट से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया संतुष्ट हो जी। तो भाई आप जैसे ब्यास व्यक्ति है, ताजा ब्याह व्यक्ति है, उसको क्या खिलाते हो? मेरी हर वीडियो में सिखाने की बताने की कोशिश करता हूँ, और इसको आपने कैसे तैयार किया? सारी तो जी, जो मैंने आपकी जो वीडियो देखी है, मैं तो उससे जागरूक हुआ हूँ कुछ तो जी जी, जो आपने बताया है वही तौर तरीके मैं यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। चलो उससे पहले आप अपना क्या क्या? उससे पहले तो जी देसी सौदा था, इसको ये दूध है भैंस के नीचे छोड़ देता, बाकी थोड़ा बहुत अपना निकाल लेता। अच्छा, तो कितना दूध पिलाते थे आप? दूध तो जी इसको यूं मान लो 3 किलो दूध ये खड़का पीता था। तीन किलो, यानी कि 6 kg पर डे का। बिल्कुल जी। तो उसके बाद जैसे ये महीने का हो गया, तो फिर दूध नहीं उतना ही रखा? उतना ही रहा, दो महीने का होया। दो महीने का होया ना, मैंने स्टार्टिंग में तो इसको 1 किलो से शुरुआत की थी जी, जब बचपन में ये पैदा हुआ 1 किलो से स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा पिला के। फिर मैंने 1 महीने बाद इसकी डाइट बढ़ा दी, इसकी 2-2.5 किलो दूध भर लिया है मैं। तो इसकी डीवार्मिंग कब की? डीवार्मिंग इसकी हर 20-25 दिन में होती है जी। 20-25 दिन में, शुरू में जब 20-25 दिन का हो गया, जब आपने? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो 15 दिन का था जब इसे चालू हो गई थी, 15 दिन। फिर उसका 3-3 महीने के बाद, मतलब हर महीना, कभी 2.5 महीना, कभी 2 महीना, अब तो इसकी 20-25 दिन में डीवार्मिंग करवाता हूँ, पेट के कीड़ों की। पेट के कीड़ों की नहीं, आपने एक और बात बता दूं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर फर्स्ट की जो डीवार्मिंग करते हैं, आप सभी साथी सुन भी रहे होंगे, भाई फर्स्ट 15 दिन का या 10 दिन का बच्चे को हम डीवार्मिंग कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद फिर रिपीट करते हैं, उसके बाद हमने डीवार्मिंग अगर हम करते हैं तो 3 महीने बाद रिपीट करनी चाहिए। मैंने तो 1.5 महीने बाद कर दी। नहीं, आपने गलती करी, उससे क्या है लीवर कमजोर हो जाता है, और साथ ही साथ डीवार्मिंग करते हो तो भाई उसको लीवर का भी कोर्स साथ ही साथ करा। अगर कोई भी आप डीवार्मिंग के लिए लीवर का कोई भी टॉनिक बाजार में मिलता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, चाहे वो ब्रोटोन हो चाहे और कुछ हो, आप उसको 10-15 दिन पहले दें और उसके बाद डीवार्मिंग करोगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद इसकी खुराक क्या क्या रखी आपने? खुराक तो जी अपने ये जो बिंदोड़ा है गेहूं का दलिया था, पहले तो मैं तो यही डालता था, और उसके साथ खड़ भी थी, खड़ भी, चना वगैरह कुछ? चना नहीं डाला था जी, अब स्टार्टिंग किया जी। बाजरा वगैरह, मेथी? नहीं, बाजरा भी नहीं डाला जी, मेथी डाल देता, उसके अंदर थोड़ा नमक डाल देता। देखो मेरे पशुपालक साथियों, अपनी वीडियो चैनल के माध्यम से, प्रवीण मुरा फार्म चैनल के माध्यम से भाई आप सुनने पा रहे हो, जो भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती भी रहे। मैं ये कहूंगा जो बुल तैयार करना है तो उसके लिए मेथी, बाजरा, गुड़, ये चीजों का भी प्रयोग जरूर से जरूर किया करो, और बिंदोड़ा, जैसे सबसे ज्यादा रिजल्ट आप बाजरा, सस्ता अनाज है, और बाजरे का अगर हम चून भी अपने कटड़े को देते हैं तो उससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। मेथी है, मेथी तो वैसे चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके लिए अच्छा रहता है, एक किस्म की औषधि होती है मेथी। तो इसलिए मैं आप लोग को भी यही बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि मेथी का भी प्रयोग जरूर करें। अब आपने बताया है और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश भाई। और मैं एक और बात करना चाहूंगा आपसे, अभी तक आपके गांव में और भी कोई कटड़ा कोई तैयार हुआ है? अच्छा कटड़ा जो नामी होया हो? नहीं होया है जी अभी। कोई किसी ने अच्छी कीमत पे बेचा हो? है जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? राजेंद्र जी। तो अपना कोई पहले भी अपने गाँव में राकेश से पहले कोई अच्छे कटड़े तैयार किए हो किसी ने? नहीं जी, किसी ने नहीं किया। तो क्यों नहीं शिकायत ले रहे? वो शिकायत नहीं है जी, मतलब ये दूध कम छोड़ रहे हैं, जनानी ज्यादा दूध काट रहे हैं, जागरूकता नहीं थी। तो अभी तक जो सबसे महंगा पशु भी क्या है आपके गांव में, कितने का भी क्या भैंस हुई चाहे कटड़ा हुआ? इसमें हमारे गाँव में 1-1.5 लाख नहीं बेचा है। देखो मैं किसान भाइयों से अभी बातचीत करने में खुद ये शर्म आ रहा हूँ भाई, चैनलों का भी माध्यम से हर चाय से आज तो पशुपालन बहुत अच्छा वो चल रहा है। तो आप हरियाणा में ये गाँव होते हुए भी आप इतना 1-1.5 लाख का, तो इसका मतलब आपने कभी सिमन के ऊपर या कहते अच्छे बुलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया? जागरूक नहीं था जी बिल्कुल, गांव के अंदर कोई भी आदमी इतना जागरूक नहीं था कि भाई ताकि अच्छा सिमन ले आए, सिमन का ध्यान ही नहीं था जी, उनके पास ज्यादा ले जाया करते पैसों को। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा जैसे आपने चैनल चलाया और भी चैनल चल रहे हैं, लोगों को जो है ना थोड़ा प्रोत्साहन मिला है इस सीमन की तरफ, ज्यादा रोजाना क्यों कोनी हुए काट। तो माता जी आप ही ब्याश रखते हो? ना महारत कोनी, पर डेयरी में दूध ले जाए। अच्छा, आज एक जने कोर्स है
अच्छा बढ़िया कटड़ा। हाँ बढ़िया। तो आपने भैंस को नहीं रख दे? नहीं हम तो रखा है, मेरा बेटा रखा है। तो काटड़ा कितना तीगा बेचा आपने? नहीं हमने काटड़े नहीं बेचे हमारे। मैं ऐसे कह की बेची एक दस की महंगे तो महंगी। तो ये दोस्तों रिजल्ट था इस गाँव का, आप समझ सकते हो। जब तक आप अच्छा कभी सुहा सावा को नहीं दरवांदे बैठ सके सीधा जुटता है। तो कोई गांव में पंचायती जुटा कोई छोटा क्या? कोई बढ़िया नहीं है, कोई जुटा नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है गांव में नहीं है। तो वैसे ही कोई चाहे कि 10 केजी वाले दूध का मां का कितने का हो सर? फौजी भाई अब क्या है, जागरूक नहीं थे लोग। चाहे वो 10 किलो को भैंस का हो, झोटा हो, कटड़ा, चाहे वो 5 किलो का हो, गांव में ऐसी जागरूकता नहीं थी पहले। मेन बात ये थी गाँव वाला का हमारी आगा की हो जाए बस, और दूध तेरे उससे इस बात का ज्ञान नहीं था लोगों ने। देखो ताऊ जी ने बताया पहले लोगों की ये सोचती कि हमारा पशुधन ब्याना चाहिए, चाहे वो 10 केजी माँ के दूध के बेटे से रड़े चाहिए आप कितने वाले से। मेरा दोस्तों मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा किसान साथियों से, इससे अच्छा अपना पशु को खाली रख लो भाई। कम से कम 20 केजी दूध की माँ का बेटा नहीं है तो उसका कोई दिन आप तैयार नहीं कर सकते। वो 10 केजी दूध के आएंगे। अगर आपने अच्छे बुल का सिमन का या प्रयोग किया तो मैं ये निश्चित होके कहता हूँ कि 20 केजी दूध वाली माँ का बेटा अगर हो तो आपके घर पे 15 केजी दूध की खारकी आएंगी। इसलिए आप सिमन का या गाँव में कह के सरपंच से अच्छे बुल को छोड़ दिया करो ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके और एक जमींदार आदमी अच्छा पालन करके अच्छा पशुपालनों से भी। हाँ जी। देखो ये इतना चाव है, देखो ये सभी को दिखाओ, ये सभी इसे कटड़े को देखते हैं जब राकेश भाई घुमाने ले जाता है। और मैं राकेश भाई का भी हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि उन्होंने भाई अच्छे तरीके से अपने बुल को तैयार करें और बच्चों को भी बड़ों को दिखाते हैं ताकि वो भी अपने ऐसे ऐसे कटड़े तैयार करें। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। तो वीडियो के अंत में भाई यही कहूंगा कि भाई दोबारा से आपको यही कहता हूँ मेरे किसान साथियों के, अच्छे सीमन का, अच्छे या बुलों का प्रयोग करोगे जब यहाँ पे एक व्यवसाय बनेगा और जब ही मुर्रा आगे बढ़ेगी भाई। तो प्रवीण भाई मैं इसीलिए ये तैयार किया है ताकि गांव में कोई जागरूकता है, किसी भाई को ये समझ आया कि भाई अच्छे पशु से किसानी के साथ साथ जमींदारी के साथ साथ भाई ये पैदा भी हो जाए। तो पशु बहुत बढ़िया राकेश भाई। मेरे एक चीज और याद आ गई, आपने 19 केजी 30 ग्राम दूध निवास में लगाया। हाँ जी। तो कितनी भैंस निवास में लगी और भी? नहीं भैंस तो और भी थी जी 4-5। वो कितने दूध पे रही? वो रहेगी कोई 16 पर, कोई 14 पर, कोई 13 पर। तो पास ही नहीं हुई? नहीं पास, क्योंकि 18 केजी बिल्कुल 18 से। तो मैं एक और छोटा सवाल करूंगा आप सभी से, अभी तक जो गाँव में निवास लगाता सरकार ने वो पहले की बात, तो कितने दिन पहले की है वो 20-21 केजी? वो जी ये पता नहीं वो बहुत होगी, वो कम से कम आज होली होंगी तो 10-12-13 साल से नहीं 12 साल हो गए। इतने टाइम हो गए। बात सुनो भाई, 15 साल हो गए इस गांव में कोई निवास में कोई पहले भैंस लगी होगी, उसने 20 केजी दूध निकाला था। उसके बाद इस गांव में राकेश भाई की भैंस ने दूध निकाला है। तो आप ये समझ सकते हो भाई कितना मतलब पीछे चल रहे हैं ये। मेरे को तो यकीन नहीं था कि भाई हरियाणा में भी ऐसे ऐसे गाँव है कि भाई उन्होंने निवास में भी या भैंसों को ऐसे लगाते नहीं है। तो ये जागरूकता जब तक नहीं आएगी आप अच्छी नस्ल मुर्रा नस्ल नहीं बढ़ोगे तो भाई आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों मैं राकेश भाई की बात को सलाम करता हूं भाई को कि कितनी अच्छी सोच है। राकेश भाई ने एक बात की है, कही है कि अगर गांव की पंचायत इसको गांव में छोड़ना चाहती है तो मैं गाँव को भी दे सकता हूँ भाई। तो ये एक राकेश भाई की ये उदाहरण है कि मतलब इतना अच्छा दिल के लगा के जो कटड़ा तैयार कर रहे हैं। तो पूरे गाँव वालों के लिए ये सोच है उनकी कि इस गाँव को पंचायत के लिए छोड़ा जाए और उसका अच्छी नस्ल इस गांव में पैदा हो। हाँ, अच्छी नस्ल पैदा हो ताकि गांव को भी ये अच्छे सुधार मिले। अच्छा। लोगों को ये चले आमदनी का पता चले भाई पशुओं में भी आमदनी है, क्योंकि एक ले जमींदारा में हिसाब कुछ भी नहीं है, एक आधा पशु जमींदार का बढ़िया निकल जाए उसको भी ये पता चले भाई ये भी है इनकम साथ है। बहुत बढ़िया बात कही। जैसे हम खेती का पालन करते हैं वैसे ही पशुपालन भी एक किस्म का व्यवसाय व्यवसाय इसको भी हम साथ के साथ। देखो हमने खेत में जाना उधर से आ रहा चारा लिया इनको डाल दे और क्या है, मेहनत तो वही है प्रवीण भाई जो उसकी करते हैं वही इसकी मेहनत। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई और आपके विचार जो हमारे को बहुत अच्छे लगे और सभी पशुपालकों को भी मुझे आशा बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों मैंने भाई अपने कटड़े को दिखाया और अभी जो इसकी माँ है 19 केजी 330 ग्राम में जो अभी HLD में निवास में लगी थी ये उसकी माँ है। तो उसकी माँ को भी कवर करके दिखाता हूँ आगे से, एक बार सिंगों की क्वालिटी ये दिखाएं भाई।
और अच्छा तो मैं आपको बात बता दूं भाई, 19 केजी 430 ग्राम यानी कि 20 केजी से थोड़ा कम, तो ये सेकंड बैच में तुलाया है। क्यों सेकंड में जी? सेकंड में अभी तीसरी बार है भाई, आपकी बार तीसरी भी आएगी जी। तो तीसरी बार भी आएगी तो उम्मीद कर सकते हैं भाई पिछली बार से और भी अच्छा दूध देगी। कितना दूध की उम्मीद कर रहे हो भाई अभी? उम्मीद नहीं है जी, 2 किलो दूध और भी बढ़ा देगी, नॉर्मल 60 से है जी। यानी कि भाई आप ये समझो 21-22 केजी दूध तो आराम से देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 22 केजी दूध वाली माँ का कटड़ा और अच्छा तैयार कर किया, और भाई बिल्ड लाइन भी अच्छी होगी और माँ का रिकॉर्ड भी अच्छा हो गया। इसका रिकॉर्ड भी है जी मेरे पास। अच्छा, इसका डॉक्टर के पास भी और मेरे पास रिकॉर्ड लिख रहा है। बिल्कुल जी, इसका रिकॉर्ड है जी। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो उसके बाद ये जो टीबी अपनी है, ये खार की है जी। अब की बात फर्स्ट टाइमर, कितना दूध दिया भाई? दूध इसके नीचे 13 किलो है जी, ज्यादा नहीं। फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया। ये अभी नीचे ये कटिया है जी इसी की। तो कटड़ी कौन से उसकी है? सीमन से। ये वैसे उसकी जोटे की है जी, जोटे की जो गाँव का। बिल्कुल जी बिल्कुल। सीमन ने ये मान्य नहीं, मैंने रखवाया था लेकिन ये मान्य नहीं। और ये सीमन रखवा अभी सीमन से क्या कराई है इसका? तो, वो HLDB वो 70573 अभी इसके रखवाया है जी। अच्छा, HLDB का भाई 70573 के सीमन से ये अभी गैबिन है। गैबिन है जी। चलो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, 6 तारीख को रखवाया। अब की बार इसको भी सीमन रखवाया है जी, अगर मान जाएगी तो। अब ये न्यू मान लो आज एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता हो जाए तो ये कौन से कराई? ये भी उसी से है जी, HLDB से 70573। काफी अच्छा रिजल्ट है भाई, 70573 अगर मान जाएगी तो जी। अब रखवाया जाएगी, उसके बाद पता चलेगा भाई कैसा रिजल्ट रहेगा, वो भी आपको अपने वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। और ये जो पंचायती बुल है, ये पंचायती बुल क्या जी? ये जो बंदेज है उसी की है जी। अच्छा, जो गाँव में पंचायती गाँव में तो जी कोई जोटा ही नहीं है जी। अच्छा अच्छा, चलो नॉर्मल ठीक ठाक जोटी है, ऐसी बात नहीं है। और माँ से इसका सिंग ठीक बनता नजर आ रहा है, गोल सिंग का कटना होगा। गोल सिंग का कटना था जी, गोल सिंग का। देखो गांव में क्या देखते हैं, गोल सिंग को देखते हैं। सिंगों से क्वालिटी नहीं नापी जाती, न एक बुल की नापी जाती न भैंस की क्वालिटी। अगर मैं ये कहूंगा मेरे बड़े बुजुर्गों को क्वालिटी देखने, तो उसके माँ के दूध का रिकॉर्ड से उसकी क्वालिटी देखो, उसके ऑर्डर की देखो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माँ को भी दिखाया, और जो ये अपना 1 साल का कटड़ा था भाई ने राकेश ने तैयार किया वो भी आपको दिखाया। और मेरा प्रयास यही रहा है कि हमेशा एक अच्छा अच्छा आप लोगों को जो मुरा का पशुधन हो दिखाने की कोशिश करें। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वैसे वीडियो आपके कमेंट के ऊपर लेके आऊंगा। और भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपने चैनल से सीख सके और आगे बढ़ सके। जय हिंद भाई। जय हिंद, राम राम।